जी मोहतरम तलबा इकराम, अस्सलामु अलैकुम। बेटा, हमने पिछले लेक्चर में कव्वे के मुतालिक पढ़ा था। आज अगला परिंदा, दूसरा परिंदा है बुलबुल, उसके मुतालिक पढ़ रहे हैं। बुलबुल एक रिवायती परिंदा है जो हर जगह मौजूद है सिवाय वहां के जहां इसे होना चाहिए। अगर आपका ख्याल है कि आपने चिड़ियाघर में या बाहर बुलबुल देखी है तो यकीनन कुछ और देख लिया है, रिवायती रिवाज के मुताबिक। हम हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं। खुशगुलू, अच्छी आवाज वाला, कसूर हमारा नहीं, हमारे अदब का है। शायरों ने ना बुलबुल देखी है ना इसे सुना है, क्योंकि असली बुलबुल इस मुल्क में नहीं पाई जाती। सुना है कि कोहमालिया के दामन में कहीं कहीं बुलबुल मिलती है, लेकिन कोहमालिया के दामन में शायर नहीं होते। आमतौर पर बुलबुल को आहोजारी की दावत दी जाती है। आहोजारी, रोना पीटना, फरियाद करना, और रोने पीटने के लिए उकसाया जाता है। उकसाना, किसी काम के लिए तैयार करना, उभारना। बुलबुल को ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे बुलबुल होना काफी मुजहका खेज होता है। बुलबुल और गुलाब के फूल की अफवाह किसी शायर ने उड़ाई थी, जिसने रात के एक गुलाब की टहनी पर बुलबुल को नाला और शेवन करता करते देखा था। मुजहका खेज, मजाक में डालने वाली अफवाह, झूठी खबर, नालों शेवन, रोना धोना। कम से कम उसका ख्याल था कि वो परिंदा बुलबुल है और वो चीज नालों शेवन। रात की को ऐनक के बगैर कुछ का कुछ दिखाई देता है। बुलबुल परों समेत महज चंद इंच लंबी होती है, महज सिर्फ, यानी अगर परों को निकाल दिया जाए तो कुछ ज्यादा बुलबुल नहीं बचती। माहिरीन का ख्याल है कि बुलबुल के गाने की वजह इसकी गमगीन खानगी जिंदगी है, खानगी घरेलू, जिसकी वजह ये हर वक्त का गाना है। दरअसल बुलबुल हमें महसूस करने के लिए नहीं गाती। महसूस करना, लुत्फ देना, उसे अपने ही फिक्र नहीं छोड़ते। बुलबुल पक्के राग गाती है या कच्चे, बहरहाल इस सिलसिले में वो बहुत से मौसीकारों से बेहतर है। राग गाना, मौसीकार गाने वाला। एक तो वो घंटे भर का अलाप नहीं लेती, अलाप गीत गाना। बेसुरी हो जाए तो बहाने नहीं करती कि साज वाले निकम्मे हैं, आज गला खराब है, आप तंग आ जाएं तो इसे खामोश करा सकते हैं, और क्या चाहिए। जैसे गर्मियों में लोग पहाड़ पर चले जाते हैं, इसी तरह परिंदे भी मौसम के लिहाज से नकले वतन करते हैं। बुलबुल कभी सफर नहीं करती, उसका ख्याल है कि वो पहले से ही वहां है जहां उसे पहुंचना चाहिए था। हमारे अदब को देखते हुए भी बुलबुल ने अगर इस मुल्क का रुख किया तो नतीजे की जिम्मेदार खुद होगी। तीसरा बेटा जानवर है भैंस। भैंस मोटी और खुशतबा होती है, खुशतबा, अच्छी तबीयत वाली। भैंसों की किस्में नहीं होती, वो सब एक जैसी होती हैं। भैंस का वजूद बहुत से इंसानों के लिए बायसे मुसर्रत है, बायसे मुसर्रत, खुशी के काबिल। भैंस का हम असर चौपाया गाय दुनिया भर में मौजूद है, लेकिन भैंस का फखर सिर्फ हमें ही नसीब है। चौपाया, चौपाया कहते हैं चार पांव वाला जानवर, हम असर एक ही वक्त का, ठीक है। तिब्बत में गाय के वजन पर सुरा गाय होती है, सुरा भैंस कहीं नहीं होती। भैंस के बच्चे शक्ल सूरत में ननियाल और ददियाल दोनों पड़ जाते हैं। ननियाल वालदा का खानदान और ददियाल वालिद का खानदान, ठीक है बेटा। लिहाजा फ्रीकैन एक दूसरे पर तनकीद नहीं कर सकते। फ्रीकैन ग्रोह, तनकीद करना, नुक्ताचीनी करना, तबसरा करना। भैंस से हमारी मोहब्बत बहुत पुरानी है, भैंस हमारे बगैर रह ले, लेकिन हम भैंस के बगैर एक दिन नहीं रह सकते। आजकल ये शिकायत आम है कि लोगों को कोठी मिलती है तो ऐसी जिसमें गिराज तक नहीं होता, जहां भैंस बांधी जा सके। कई भैंसें इतनी भद्दी नहीं होती, मगर कुछ होती हैं भद्दी, बहुत बुरी, बदसूरत। दूर से यह पता चलाना मुश्किल हो जाता है कि भैंस इस तरफ आ रही है या उस तरफ जा रही है। रुखे रोशन के आगे शमा रखकर वाला शेर याद आ जाता है। भैंस अगर वर्जिश करती और गजा का ख्याल रखती तो शायद छुरेरी हो सकती थी, छुरेरी, दुबली पतली, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। बाद लोग मुकम्मल एहतियात करने पर भी मोटे होते चले जाते हैं। भैंस का मशगला जुगाली करना है, मशगला मसरूफियत, जुगाली करना। जानवरों का अपने मैदे से खुराक निकालकर चबाना,
या तालाब में लेटे रहना। वो अक्सर नीमबाज आंखों से उफक को तकती है। नीमबाज आधी खुली आधी बंद, उफक आसमान। लोग क्यासराइयां करते हैं कि वो क्या सोचती है। क्यासराई करना अंदाजा लगाना। वो कुछ भी नहीं सोचती। अगर भैंस सोच सकती तो रोना किस बात का था। भैंस का हाफजा कमजोर होता है, हाफजा याददाश्त। उसे कल की बात आज याद नहीं रहती, इस लिहाज से वो इंसान से ज्यादा खुशनसीब है। भैंसे को बिल्कुल निकम्मा समझा जाता है। उसे हल में जोतने की स्कीम नाकामयाब साबित हुई है क्योंकि वो दायमी तौर पर थका हुआ और अजली सुस्त है। उसने बचपन में भैंस का दूध पिया था। भैंस के सामने बीन बजाई जाए तो नतीजा तसल्ली बख्श नहीं निकलता। भैंस को बीन से कोई दिलचस्पी नहीं है। बेटा ये आज तक के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे।